subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। 16 साल की थी जब मैंने अपना पहला न्यूज़ आर्टिकल लिखा था और फिर कुछ सालों में टीवी में काम करने का ऑफर मिल गया और फिर शुरू हो गया तानों का सिलसिला। लड़की होकर टीवी में काम करेगी, लड़की के हिसाब से कुछ ज्यादा अग्रेसिव नहीं है? पर मेरे सपने छोटे शहर के तानों से बड़े थे। मम्मी पापा साथ खड़े रहे और मैंने एक मुस्कान के साथ काम करना शुरू कर दिया। ताने देने वालों को जवाब खुद ही मिल गया। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल बायोग्राफी विद अंकित पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट पॉपुलर न्यूज चैनल आज तक के जानी मानी एंकर श्वेता सिंह के लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग न्यूज देखना पसंद करते हैं और अगर आप आज तक न्यूज चैनल देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि श्वेता सिंह कौन है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्हीं के लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी के बारे में। तो चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों श्वेता सिंह का फुल एंड रियल नाम श्वेता सिंह ही है और इनका निकनाम श्वेता है। इनका जन्म 21 अगस्त 1977 को बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। इस हिसाब से अभी इनकी उम्र 43 वर्ष हो रही है। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई पटना के एक प्राइवेट स्कूल से की है। आफ्टर स्कूलिंग अपनी आगे की पढ़ाई पटना वुमेन कॉलेज से की और दोस्तों इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन से कम्प्लीट की है। तो चलिए अब मैं आपको इनके करियर के बारे में शुरू से बताता हूँ। दोस्तों श्वेता सिंह बचपन से एक फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर बनना चाहती थी, पर जब इन्होंने पटना वुमेन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर रही थी उसी दौरान इनको लगा कि एक फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि श्वेता सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उस समय इनके फैमिली वाले के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को आगे पढ़ा पाए। और दोस्तों श्वेता सिंह को बचपन से ही आर्टिकल लिखने का भी काफी शौक था। तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना आर्टिकल लिखकर हम अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें। तब इन्होंने आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपना पहला आर्टिकल 16 साल की उम्र में लिखी थी जब ये स्कूल में थी। उसके बाद ये एक पत्रकार के तौर पर पटना के ही लोकल न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दी। दोस्तों स्टार्टिंग टाइम में श्वेता सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के लिए आर्टिकल लिखा करती थी और दोस्तों इन्होंने उसी दौरान सोच लिया था कि अब तो मुझे अपना करियर एक न्यूज चैनल में ही बनाना है। दोस्तों जब 1998 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब ये पटना से दिल्ली आ गई और यहाँ आकर इन्होंने अपना फर्स्ट कदम 1998 में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रखी। पहले ये जी न्यूज और सहारा न्यूज जैसे चैनल में एक न्यूज रीडर और न्यूज एंकर के तौर पर काम करती थी। जब ये जी न्यूज और सहारा न्यूज जैसे चैनल में काम करती थी तब इनको लोगों द्वारा काफी ज्यादा ताने सुनने को मिला कि एक लड़की होकर टीवी में काम करेगी और लोगों ने इन्हें काफी डिमोटिवेट करने का भी सोचा, लेकिन श्वेता सिंह लोगों की बातों को टालते हुए अपने जीत पे आई रही और काम करती गई। फिर 2002 में जब आज तक में एक वैकेंसी निकली जिसमें श्वेता सिंह भी इंटरव्यू के लिए गई और वहाँ इनको एक ही बार में सिलेक्ट कर लिया गया क्योंकि इनके पास पिछले कुछ सालों से न्यूज चैनल में काम करते करते काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया था। फिर इन्होंने 2002 से आज तक न्यूज चैनल में काम करना शुरू कर दिया और अभी भी करती है। दोस्तों इनको आज तक न्यूज चैनल में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इन्होंने आज तक के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफ स्पेशल प्रोग्रामिंग के तौर पर भी काम किया है। इनकी काबिलियत की रिवार्ड 2005 में देखने को मिला जब इनको स्पोर्ट जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बेस्ट स्पोर्ट प्रोग्राम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों श्वेता सिंह आज तक में एक प्रोफेशनल न्यूज एंकर के साथ साथ एक स्पेशल प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूटिव भी है और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेल संबंधित समाचारों को कवर करने में बेहद ही निपुण मानी जाती है और साथ ही एक कुशल पत्रकार भी मानी जाती है। पत्रकारिता में 2 दशक से अधिक समय बिता चुकी श्वेता सिंह 18 वर्षों से आज तक न्यूज चैनल से जुड़ी हुई है। इन्होंने आज तक समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव के समय में श्वेता सिंह ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र। इस शो में श्वेता सिंह के टैलेंट के लोगों के बीच खूब पसंद किया गया। तब से अब तक ये इंडिया के जानी मानी न्यूज एंकर बन गई है। दोस्तों अगर बात करें इनके मैरिटल स्टेटस के बारे में तो ये मैरिड है और इनके पति का नाम है संकेत कोटकर। ये एक एनलाइट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक सीनियर टेक्नोलॉजी मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि श्वेता सिंह ने इनसे लव मैरिज की हुई है। एक बार श्वेता सिंह अपने फैमिली के साथ पार्टी में गई थी, वहाँ इनकी मुलाकात संकेत कोटकर से हुई। इसके बाद इन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदली कि इन दोनों को पता ही नहीं चला। फिर कुछ सालों तक संकेत कोटकर को डेट करने के बाद श्वेता सिंह ने इनसे शादी कर ली। शादी के कुछ सालों के बाद श्वेता सिंह के यहाँ एक बेटी हुई जो कि ये दोनों अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार करते हैं।
तो दोस्तों यही थी श्वेता सिंह की लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी। आई होप आपको इनका लाइफ स्टोरी एंड बायोग्राफी जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। सो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।